दिल्ली नगर निगम की मेयर सैली ओब्रायन ने शुक्रवार को हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी द्वारा मतदान का बहिष्कार किए जाने के चलते चुनाव में भाजपा ने स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम सीट पर जीत हासिल की है। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी शनिवार को भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में एक सदस्य का चुनाव गैर कानूनी और लोकतांत्रिक था। आतिशी ने कहा कि आप शुक्रवार को हुए चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आतिशी ने भाजपा को एमसीडी को भंग कराने और यह देखने के लिए चुनाव में आपका मुकाबला करने की चुनौती दी कि लोग नगर निगम में किस पार्टी को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं, इसीलिए भाजपा को लोकतंत्र की हत्या बंद करनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव नगर निगम अधिनियम 1957 का उल्लंघन कर दिया गया। वार्ता के अनुसार एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के चुनाव में आपके बहिष्कार के बाद भाजपा पार्षद सुंदर सिंह तनवर ने जीत हासिल की थी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 115 पार्षदों ने ही हिस्सा लिया, जबकि संसद में वर्तमान में 249 पार्षद हैं। आप पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था, जबकि कांग्रेस ने पहले ही चुनाव से दूर रहने की घोषणा कर दी थी। अब स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा को बहुमत प्राप्त हो गया है। कमेटी के 18 सदस्यों में भाजपा के 10 और आपके 8 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद कमलजीत शेरावत ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुए एक पद को भरने के लिए यह चुनाव कराया गया था। इससे पहले मेयर सैली ओब्रायन ने निगम कमिश्नर अश्विनी कुमार को इसे स्थगित करने का निर्देश दिया था, ताकि पूर्व के निर्देशों के अनुसार 5 अक्टूबर को चुनाव कराया जा सके। पार्षदों की तलाशी को लेकर गुरुवार को हुए हंगामे के बाद मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल वीके सक्सेना ने चुनाव स्थगित करने के फैसले को दिया और नगर निगम कमिश्नर को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे चुनाव कराने का निर्देश दिया था। खबरी चौकट की रिपोर्ट।